लगे हुए बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, साथ साथ न्यू पॉट्स भी निकाल रहे हैं। ये देखें जनाब, जो कुछ दिनों में ये भी अब लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं इन्हें ट्रांसप्लांट तो अभी कर दूंगा, क्योंकि जैसे मार्च का स्टार्ट होगा तो इनकी ग्रोथ का जो वो टाइम पीरियड होता है, तो वो कुछ पॉप्स जब मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ तो वो कुछ बच जाते हैं, कुछ लग जाते हैं। तो मैं इन्हें कुछ दिनों में ट्रांसप्लांट कर दूँगा, आगे हर पॉप्स के अलग अलग करके दिखा दूँगा, दिखा के लगा दूंगा, तो उसकी अपडेट मैं शेयर कर दूंगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ग्रोथ कर रहे हैं, साथ साथ न्यू पॉप्स भी निकाल रहे हैं। ये देखें, ये भी मैंने पॉप्स लगाए थे, अब यहाँ देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि आज पानी की कमी हो गई, जिसकी वजह से अब ये एक दो प्लांट मेरा मुरझा रहा है, तो इनको पानी देने की भी ज़रूरत है। ये देखिए जनाब, जो मैंने कटिंग्स लगाई थी परफेक्ट की, अब बहुत अच्छे तरीके से वो सर्वाइव कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। आज इनके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन हर कटिंग के ऊपर एक एक फ्लावर लगा हुआ है। ये देखिए जनाब, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आज इसके ऊपर कटिंग के ऊपर फ्लावरिंग हो रही थी, मैंने सोचा इसकी भी अपडेट मैं आपको देता चलूँ। और जो बाकी कटिंग्स है उसकी अपडेट आप ये देखें, ये देखें कि हर कटिंग के ऊपर फ्लावर लग रहा है। ये जो यहाँ इस बास्केट में लगाई थी, इस बास्केट में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है अब इनकी, क्योंकि अब इनका फ्लावरिंग का पीरियड है, तो मैंने बहुत जल्दी कर दी है इनकी कटिंग्स काटने में। अगर मैं इन कटिंग ना अलग काटता तो इसी सीजन में इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई होती, क्योंकि अब मैं इनकी मदर प्लांट के ऊपर जो कटिंग निकल रही है उनकी तो फ्लावरिंग नहीं दिखा सकता, क्योंकि अब इन कटिंग्स जो मैं यहाँ लगाई थी ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ सर्वाइव कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो इनके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इसकी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं कितने ज़्यादा डार्क कलर में इसके फ्लावर्स निकले हुए हैं, और लीफ भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ डार्क कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी तक मैंने इनके टीम में कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल नहीं किया, अब कुछ दिनों में मैं इन सब प्लांट के अंदर कंपोस्ट इस्तेमाल कर दूँगा, तो जिससे इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको और ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बस आने अब तक पहुँच सके।